मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पुणे शहर में मंगलवार को राज्य परिवहन की एक बस में आग लग गई। इस दौरान बस में सवार 42 यात्री बाल बाल बच गए। दमकल के एक अधिकारी ने बताया कि ये घटना यरवदा इलाके के शास्त्री चौक पर सुबह करीब 11:30 बजे हुई। घटना के समय बस यवतमाल से पुणे की ओर जा रही थी। बस चालक और परिचालक ने वाहन से धुआं उड़ता देखा, जिसके बाद सभी यात्रियों को तत्काल बस से नीचे उतार दिया गया। यात्रियों के बस से नीचे उतरते ही बस में तुरंत आग लग गई। इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। आग लगने का सटीक कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि एक ही दिन में पुणे में आग लगने की ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले पुणे के लल्लू नगर इलाके में एक मशहूर इमारत में भी आग लग गई, जिसका नाम मार्वल विस्टा बताया जा रहा है और इसे PNG ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है।